तो सरकार की तरफ से किसानों को एक बहुत अच्छी खुशखबरी दोस्तों आ गई है। सरकार ने कृषक कल्याण योजना को शुरू कर दिया है और कृषक कल्याण योजना में अपने किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है दोस्तों। तो कैसे लाभ होगा आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्या सपोर्ट और मैं हूं ऋषभ। दोस्तों देखिए, कृषक कल्याण योजना जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों को एक योजना शुरू की गई है। तो उसके बारे में हम आपको यहां पर देखिए आपको क्या करना है। अगर आप इसको पढ़ना ही चाहते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप गूगल पर जाइए और वहाँ पर कृषक कल्याण योजना सर्च करके न्यूज़ वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला जो आर्टिकल है वो मिल जाएगा। मैं आपको इसकी डेट भी दिखा देता हूँ। तो ये जो आर्टिकल है ये 22 जनवरी 2020 का है। 22 जनवरी 2020 को ये जो आर्टिकल है दैनिक भास्कर की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से देख सकते हैं कि खेत में किसान के साथ हादसा होने पर उसके परिजनों और बटाईदार को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का मुआवजा। अब है कि ये तो इसकी जानकारी के लिए यहाँ पर देखेंगे यूटिलिटी डेस्क वाले ऑप्शन में। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का नाम कृषक दुर्घटना कल्याण योजना करने के साथ ही इसके नियम और सुविधाओं में बदलाव किए हैं। इसके तहत किसी किसान की मौत खेत में काम करने के दौरान होती है तो उसके परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा किसान या उसके परिजन के साथ के 60% से अधिक दिव्यांग होने पर 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। बीमे के बारिश के रूप में किसान के परिवार के अलावा बटाईदार भी हकदार होंगे। अब मतलब यहाँ पर समझिए कि अगर किसान की मौत खेत में काम करने के दौरान होती है तो देखिए इसमें जो है जो बारिश होते हैं तो बारिश में देखिए वैसे तो पुत्र होता है लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा है कि बटाईदार भी इसके हकदार होंगे, बटाईदार भी इसके बारिश होंगे। और अगर काम करने के दौरान अगर 60% से अधिक मतलब विकलांग हो जाता है किसान किसी हादसे में तो उसे 2 लाख रुपये मिलेंगे। अब नीचे की ओर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला लिया है। इस योजना से जुड़ी खास बातें, इसमें 18 से 70 साल तक के किसान और उसके परिवार के लोग शामिल होंगे। इस योजना के दायरे में प्रदेश के 2,38,22,000 किसान आएंगे। खास बात है कि बीमे के बारिश के रूप में किसान के परिवार के अलावा बटाईदार भी हकदार होंगे। यहाँ पर कह रहे हैं ये 45 दिन के अंदर अगर आवेदन करेंगे आप तभी इसका लाभ आपको मिलेगा। तो योजना का लाभ लेने के लिए दुर्घटना में किसान की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर सभी प्रपत्र 45 दिन के अंदर तहसील कार्यालय में आवेदन सहित जमा करने होंगे। इसमें 1 महीने तक के विलंब को क्षमा करने का अधिकार जो है जिला अधिकारी के पास होगा। मतलब सबसे पहले तो आपको करना है 45 दिन के अंदर आवेदन, और अगर आप 30 दिन के बाद आवेदन करते हैं तो फिर आपके जिला के जो DM होंगे उन्हीं वही कर सकते हैं आपका आवेदन और तहसीलदार नहीं कर सकता। और ये जो है अगर ये 45 दिन अगर ये जो दिन है वो 75 दिन के बाद अगर आवेदन करते हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता, उसमें आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। अब देखिए योजना की प्रमुख बातें, तो आंधी तूफान और भूस्खलन में मरने या दिव्यांग होने वाले किसान के बालिग 18 से 70 वर्ष आश्रित को इसका लाभ मिलेगा। अगर किसान का कोई बेटा नहीं है एवं पत्नी की मृत्यु हो चुकी है तो उसकी बेटी की शादी हो चुकी हो तो भी इस योजना का लाभ बेटी को मिलेगा ही मिलेगा। और UP सरकार DBT के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में धनराशि डाली जाएगी। कौन होगा योजना के लिए पात्र? तो समस्त खातेदार जिनकी दुर्घटना बस मृत्यु हो चुकी है, ऐसे किसान जो दुर्घटना बस दिव्यांग हो चुके हैं, किसान के परिवार की आय मुख्य स्रोत केवल कृषि करना और कृषि की अपनी जीविका चलाना। सबसे पहला तो खातेदार और सहखातेदार ज्वाइंट खाता में जो लोग होंगे वो देखिए इसके जो है पात्र होंगे। और ऐसे किसान जो दुर्घटना में दिव्यांग हुए हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। ऐसे किसान जिनकी और कोई आय का स्रोत नहीं है केवल खेती से ही चलता है काम वो होंगे। भूमिहीन किसान जो पट्टे के प्राप्त जमीन पर खेती करता है, जो बटाई पर या ठेका पर कहते हैं हम, ठेका पर लेकर जो खेती करते हैं वो होंगे। 18 से 70 वर्ष के बीच के जो किसान हैं वो इसके पात्र होंगे। और किसान जो है उत्तर प्रदेश के निवासी होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन जिन लोगों के साथ है उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और अगली वीडियो में मैं इसको बताऊंगा कि आवेदन का क्या प्रोसेस है, कैसे इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को बेल आइकन को दबा दें। और हाँ, अगर आप कृषक कल्याण योजना के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।